आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। हमारा लास्ट टाइम से चल रहा है कि यू नो डोनर एबिलिटी ऑफ अ मेटल, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी और आपकी कार्बोनिल की, कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो आज ये क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस सीएसआईआर नेट पर पूछे जाते हैं। एक तो होता है फॉस्फीन, मतलब लाइक मेटल पे आपका फॉस्फीन ग्रुप लगा है और यहाँ कार्बोनिल लगा हुआ है, तो फॉस्फीन के भी ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा मेटल और कार्बन के बॉन्ड पे और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पे, आज हम वो स्टडी करेंगे। और हम करेंगे मेटल ऑल्फीन कॉम्प्लेक्स, कि ये मेटल है, ये मेरा ऑल्फीन है, तो ऑल्फीन के जो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हमारे यहां मेटल पे कुछ डिफरेंट ग्रुप लग जाए, ये यहां पे डिफरेंट ग्रुप लग जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के कैसे भी रोटेट करके आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फीन। सिर्फ हम पहले फॉस्फीन को पढ़ेंगे कि फॉस्फीन पे, फॉस्फीन क्या होता है, पहले PR3। हम यहां पढ़ने जा रहे हैं कि ये R ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए जो फॉस्फोरस की डोनेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे हम, और पता क्या, क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले ना ये लिखा हुआ है ABCD, हमको इन सारे क्वेश्चंस में जहां पे डिफरेंट होगा मैं बताऊंगी, इसमें हमें सिर्फ हमें डोनर एबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा फॉस्फोरस ज्यादा डोनेट करेगा, तो देखो एक चीज है, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है ना, इसको पहले करते हैं फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। आप लिखेंगे अपने नोटबुक में जो अल्काइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल मतलब फॉस्फोरस के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हो, उसकी डोनर एबिलिटी, यहां पर लिख लोगे आप डोनर एबिलिटी, डोनर एबिलिटी, ठीक है। डोनर एबिलिटी में अगर फॉस्फोरस पे अल्काइल ग्रुप होता है तो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद इसके ऊपर लगा हो हमारा अराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है, इसके बाद अल्कोक्साइड ग्रुप, फॉस्फोरस पे लगा हो अल्कोक्साइड ग्रुप। अल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है, ओ के ऊपर आर, ये अल्कोक्साइड ग्रुप, इसके ऊपर ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये अल्कोक्साइड है। उसके बाद हेलोजन्स, मतलब फॉस्फोरस के साथ लगे हों हेलोजन्स, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा डोनर एबिलिटी होती है अगर फॉस्फोरस के ऊपर लगे होते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अगर ये लगे हैं तो उसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अराइल, अराइल का मतलब क्या होता है, कोई फिनाइल रिंग लगी हो और उसपे कोई भी ग्रुप लगा हो, ठीक है, वो डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो हम देखेंगे, मेन है कि उसके ऊपर कोई भी फिनाइल रिंग लगी हो, ठीक है, आप यहाँ पे फिनाइल रिंग भी लिख सकते हैं। इसके बाद अल्कोक्साइड, ठीक है, OR, और उसके बाद हेलोजन्स, ठीक है। तो अगर हमारा ये हमारा मेन है डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फीन, तो वो अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट को। जैसे अब ये इस पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, हमें डोनर एबिलिटी बतानी है, यहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां OMe ग्रुप लगा हुआ है, यहां हेलोजन लगा हुआ है, तो अभी हमने देखा कि अल्काइल की सबसे ज्यादा होती है, तो ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पहले बी आएगा, इसके बाद फिनाइल होता है ए आएगा, इसके बाद अल्कोक्साइड होता है सी आएगा, इसके बाद हेलोजन्स होते हैं तो हेलोजन, मतलब कि डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फीन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद सेम ये वाले क्वेश्चन पे अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी उसी चीज को एक्चुअली मैंने वैसे ही लिखा हुआ है कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पीएच थ्री, तो पी, ये पीएच फिनाइल रिंग्स लगी हुई है, ओ एम ई, ठीक है, ये तो वही था। अब ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास आया है, हमें बताना है, इन सबको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फीन ग्रुप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ये होता है साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साइन मतलब ऐसे, मतलब इसमें कोई भी अंदर बॉन्ड्स नहीं है, साइक्लोहेक्साइल है, ये मेरा इथाइल है, ठीक है, ये मेरा फिनाइल है, ये OMe है, ये OPH3, मतलब O के साथ Me, O के साथ PH3, और ये हेलोजन। तो सबसे पहले मैं अल्काइल ग्रुप उठा लूंगी और जो सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप में होगा वो, जैसे ये Me है, ये मेरा ET, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑब्वियसली बात है ET होगा, ठीक है, तो PET3, इसकी डोनेशन पावर सबसे ज्यादा।
इसके बाद PME3, इसके बाद साइक्लोहेक्साइन, क्योंकि एक रिंग बनना शुरू हो गया तो ये हो जाएगा पी साइक्लोहेक्साइन। अब इसके बाद हमारा फिनाइल शुरू होता है। अब ये है फिनाइल और फिनाइल तो कोई भी नहीं है तो ये हो जाएगा PPH3। इसके बाद OR वाला आ जाता है तो उसमें OME आएगा कि OPH आएगा, क्योंकि PH बाद में होता है, ME पहले होता है, O तो सेम है, ME की डोनेशन ज्यादा होती है तो OME। इसके बाद POPH3, इसके बाद PCl3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इनका ये हो जाएगा ट्रिक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, वैसे ही करो, ये एमी है, ये इथाइल है, इसमें क्या किया, तीन एमी थे, एक एच से उसको रिप्लेस कर दिया, यहां पे हमारा सारे के सारे एमी से हमने एफ लगा दी, हेलोजन लगा दी, तो हेलोजन तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा तो वो तो हमारा सबसे लास्ट में आने वाला है, तो ये मैं लिख देती हूँ सबसे लास्ट में CF3 का होल थ्राइस। अब इनमें हमें पता है इथाइल सबसे पहले आएगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप हमें सबसे ऊपर लिखना है। इसके बाद इन दोनों में देखो, यहाँ 3 मिथाइल है, यहाँ एक एच और 2 मिथाइल है, तो ये मिथाइल वाला आएगा सबसे पहले डोनेशन में, तो PME3। इसके बाद PHME2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो एक फिनाइल रिंग लगी हुई है, इस पे फिनाइल रिंग पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एफ लगा हुआ है, पहले फिनाइल 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 तो कॉमन है, प्लस इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो जब इसका प्लस आई इफेक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है ये थोड़ा ज्यादा करेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई यहाँ माइनस आई, और इनका तो कोई भी इफेक्ट है नहीं, तो इसको पहले उठा लोगे, ठीक है। अगर इसको मैं ए, इसको बी और इसको सी और यहाँ पे डी, यहाँ तो बहुत सारे हेलोजन है तो ऑब्वियस डी तो सबसे आखिरी में आएगा, इसके बाद सी आएगा, इसके बाद इन दोनों में से ऑब्वियस ही बात है ये पहले आएगा बी एंड देन ए, क्योंकि यहां पे फिनाइल है फिनाइल है फिनाइल है फिनाइल है। अब CH3 का डोनेशन ज्यादा है, यहां तो H लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा बी देन ए देन सी एंड देन डी, ठीक है। ये मेरे हो गए फॉस्फीन। अब मेरी बात सुनो, इसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है CSNET में भी, गेट में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो अब एक बात बताओ, ये मेटल है, ठीक है, यहाँ पे एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगर ये मेरा मेटल है, ठीक है, यहाँ मान लो CO है और यहाँ पे मेरा फॉस्फीन ग्रुप लगा हुआ है और मान लो PME3 वाला लगा हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आया कि ये बता दो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कार्बोनिल ग्रुप की किसकी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, अगर पिछली क्लास सही से देखी होगी तो आंसर आपके हाथों में होगा। हमने बोला अगर ये फॉस्फोरस तो एक पाई एसेप्टल लिगेंड भी होता है और डोनेट सिग्मा बॉन्ड तो ये बनाता ही बनाता है, पर यहां पे लगा हुआ है ME3 जिसकी डोनर एबिलिटी है बहुत ज्यादा, द एसेप्टेंस तो है ही है, डोनर एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जब इसकी डोनर एबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ये इसको डोनेट करेगा, और जब ये इसको डोनेट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है, मतलब ये ऐसे लगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट बैक करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और जब ये बैक बॉन्डिंग इसको करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, मतलब कहने की साफ बात है कि अगर जो डोनेट अभी हमने यहाँ पे डोनर एबिलिटी करी, ठीक है, जिस भी फॉस्फीन की डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी वो मेटल को उतना ज्यादा डोनेट करेगा, और जब वो मेटल को बहुत ज्यादा डोनेट करेगा तो वो भी कार्बोनिल को डोनेट करेगा, और अगर वो डोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बॉन्ड और इनका बॉन्ड हो जाएगा वीक, और इनका बॉन्ड वीक हुआ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, मतलब कि जितना फॉस्फोरस डोनर होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं यहां पे, देखो ध्यान से अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा है अल्काइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये, ठीक है, पहले सबसे पहले डोनर एबिलिटी किसकी है, अल्काइल ग्रुप की, अराइल ग्रुप की, अल्कोक्साइड की, सबसे लास्ट में हेलोजन की, मतलब इसकी सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी है।
अगर इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम। तो देखो इनमें सबसे कम कौन सी है, 19, 2, 3, तो मतलब डी का ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होती है फिनाइल रिंग की, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, पर इस फिनाइल पे यहाँ पे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ एच, ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। अब 1923 से थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो इसकी कम थी, तो 1923 के बाद आ गया 1965, मतलब ये हो जाएगा इसका। अब आते फिनाइल और एक फिनाइल पे हेलोजन, ये फिनाइल हेलोजन तो खींचता है ना, माइनस आई इफेक्ट होता है उसका, तो ये तो सबसे कम डोनेट करने देगा तो सबसे ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगी इसकी और ये हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं हमारे रिलेटेड टू फॉस्फीन। अब हम आते हैं हमारे मेटल ऑल्फीन कॉम्प्लेक्सेस पे। गाइस अब हम करते हैं मेटल ऑल्फीन कॉम्प्लेक्सेस पे। देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेरा मेटल है, ठीक है, ये ऑल्फीन है। हमारा क्वेश्चन दो आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीसी, ठीक है, सीसी का बॉन्ड ऑर्डर, और यहीं पे आ जाता है बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बताया था कि हमारा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल के बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा, और जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसके के ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रूट ऑफ के बाई म्यू 1/2 πc इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था ना, ये फॉर्मूला था ना, फ्रीक्वेंसी और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो के ज्यादा होता है, और बॉन्ड लेंथ कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की, ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑब्वियसली बात है अगर मेटल के साथ, तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इट इज अ वेरी पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई स्टार में अपने आप, मतलब पाई स्टार में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये डी ऑर्बिटल इसको डोनेट बैक भी कर सकती है और डबल बॉन्ड भी बना सकती है। अगर ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, मेटल कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड लेंथ इनकी लंबी हो जाएगी, मतलब ये अच्छे से बॉन्ड बना के बैठे थे, अब दूसरे ने बनाया तो ये अपना बॉन्ड इनका कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो यही क्वेश्चन है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर ये बता दो, ये तो यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है, ये हमारे को इसमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लगा देते हैं ClCl ग्रुप लगा देते हैं, Cl का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किए थे वापस लेना चाहेगा, जब ये वापस लेना चाहेगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो CC का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस हो जाएगा, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और मेटल और कार्बन का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस और बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। इसको पहले ध्यान से, तो इसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे कि अगर मेटल ज्यादा बैक डोनेट करेगा, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड लेंथ ऑफ, ये बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है, आपको असाइन करनी है इस कार्बन कार्बन के ऊपर, आपको असाइन करनी है किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है जहां बैक डोनेशन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस है, देखो ये पीपीएच थ्री है, ये पीपीएच थ्री है, ये तो सेम है, ये भी सेम है, मेटल भी सेम है, मेटल भी सेम है, बस यहाँ पे एच है, यहाँ सी एन है, CN का माइनस आई और माइनस एन इफेक्ट दोनों होता है, अच्छे से खींचेगा ये, अच्छे से खींचेगा तो ये, अच्छे से खींचेगा ये, अच्छे से खींचेगा तो बैक बॉन्डिंग होगी और ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू हियर, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो जितना करेगा वो उतना ही करेगा, बट यहाँ पे बिकॉज CN का माइनस आई
माइनस एम इफेक्ट है तो ये ज्यादा खींचेगा, और अगर ये ज्यादा खींचेगा तो ये यहां से खींचेगा तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 1.49 और इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 1.43। इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको बतानी है कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी। देखो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी, इसी के ऊपर बात करते हैं। ये अगर डोनेट करेगा तो ये डोनेट करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एमिन जितनी बैक बॉन्डिंग करेगा कार्बोनिल का बॉन्ड उतना ही वीक होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहां CH3 है, यहां कुछ भी नहीं है, तो यहां पे प्लस साइड ग्रुप है, खूब डोनेट करेंगे, खूब डोनेट करेंगे मेटल को, खूब डोनेट करेंगे मेटल को, खूब डोनेट करेंगे, और जब ये डोनेट करेंगे तो ये मेटल इसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा तो कार्बन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और ए की कम। दिस इज बी, दिस इज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का कनेक्शन है इसके साथ, आप एक बार बताओ इसके साथ। और बेस माइनस आई इफेक्ट खींचेगा, ये मेटल से लेगा, जब ये मेटल से लेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसकी बॉन्ड लेंथ अगर मैं इसको बी कह दूं तो बी की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए, दिस ए, है ना, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगाएगा फ्लोरीन। जब फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो वो खूब खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ए से। अब ये क्वेश्चन करो, इसमें भी हमें म्यू फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की बतानी है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना मेटल इलेक्ट्रॉन रिच, वो उतना ही ज्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये -2 -1 बी ए, इसकी डोने, अगर हम क्या करते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस में डोनर एबिलिटी लगा लो, डोनर एबिलिटी क्या उल्टा होगा फ्रीक्वेंसी। तो बी सी बी ए ये तो होगी डोनर, अगर ये डोनेट करेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ए बी सी डी, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्योंकि डोनेशन कम होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना रहेगा, तो ए बी सी डी। अब ये क्वेश्चन भी CSIR नेट में आ चुका है और गेट में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेशियल से डरना नहीं है, देखो सब सेम है, ये भी सेम, 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 सारी चीजें सेम है, मेटल भी, कार्बोनिल भी, फेशियल भी, सिर्फ क्या चेंज है, फॉस्फोरस बस। अब आप देख लो, अगर डोनेटिंग एबिलिटी फॉस्फीन की ज्यादा होगी वो ज्यादा डोनेट करेगा, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो कार्बन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जिसकी डोनेशन ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो डोनेशन लगा लो, डोनेशन क्या है, डी का सबसे ज्यादा। इसके बाद फिनाइल लगा हुआ है तो फिनाइल देखेंगे सी। इसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, फ्लोरीन, तो क्लोरीन की होगी डोनेशन बी एंड ए, ये होगी डोनर एबिलिटी। और अगर ये डोनर एबिलिटी है तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ CO, देन ए देन बी देन सी एंड डी, ठीक है। सो गाइस सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना डोनेशन अगर मेटल के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो बहुत ज्यादा डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, वो इलेक्ट्रॉन जो रिच होगा वो बैक बॉन्डिंग करेगा, वो बैक बॉन्डिंग करेगा तो जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो कम हो जाएगा और कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना है कि मेटल कार्बन के बारे में पूछा हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन के बारे में पूछा हुआ है, पहला बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और ये क्वेश्चन देखेंगे क्या डोनर एबिलिटी के बारे में पूछा है, बैक बॉन्डिंग के बारे में पूछा है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही है, इन्हीं में से सब पे क्वेश्चन आता है जो ये तीन क्लासेस कराई हैं, इसके अलग कुछ भी नहीं आएगा। बस इतने से क्वेश्चंस कर लो और इतने से कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर कर लो, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे IR के साथ।
स्ट्रेचिंग आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ और एच एन एम आर एन एम आर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और इंटरस्टिशियल कैविटी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, मूव ऑन करेंगे. ठीक है, दिस इज फॉर दिस क्लास. थैंक यू सो मच.